हेलो सो दिस इज द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप राइट सो वी हैव डेल्ट विद दिस ऑल दिस थिंग्स ठीक है तो हमने पढ़ा था कि भाई ये चीज पढ़ ली अभी हम देखते हैं कि नेपोलियन ने जब ये चीज़ें करी नेपोलियन ने जब जो रिफॉर्म्स किए और उसके बाद नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वो लेके आ रहा है लेकिन जो पॉलिटिकल चेंजेस है वो लेके नहीं मतलब पॉलिटिकल जो एक्चुअली राइट्स मिलने चाहिए वो लोगों से छीन लिए क्योंकि लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है वो राइट टू इलेक्ट है वो चुनने का जो अधिकार है वो नहीं है तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी या मोनार्की टाइप ऑफ सिस्टम इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। अभी क्या हो रहा है देखो कि नेशनलिज्म यूरोप के अंदर धीरे धीरे कैसे अपना असर दिखाता है तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थी अब देखो आप मानो ये देखो आप मानो कि ये जैसे यूरोप है ठीक है तो एक तो ईस्टर्न वाला ये वाला पोर्शन हो गया सेंट्रल वाला ये वाला हो गया ठीक है वेस्ट में कौन कौन से देश आ गए वो आपको इस मैप से पता लग जाएंगे जैसे कि फ्रांस स्पेन ये वाले जो देश हैं है ना ये जर्मनी ये वाले जो देश हैं लगभग ये सारे जो देश हैं इधर वेस्टर्न साइड आते हैं जर्मनी थोड़ा बीच पे भी कह सकते हैं बीच में भी आता है बीच पे थोड़ा कुछ पोर्शन आता है ऑस्ट्रिया वाला इधर आता है ठीक है इधर वाला जो है पोलैंड रशिया वाला एरिया जो आता है ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप ईस्टर्न यूरोप आ जाते हैं ठीक है। अभी देखो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे ठीक है ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में काम कर रहे थे तो ये वाले जो दो पोर्शन हैं ये वाले क्या हैं ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें राजा के पास सारी पावर है ऑटोक्रेटिक है ठीक है तो ये हो गया यूरोप पूरा ठीक है ये कौन सा हो गया यूरोप और ये हो गया सेंट्रल पार्ट और ये हो गया अपना ईस्टर्न पार्ट ठीक है ये तो हो गया सो और इन टेरिटरीज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं मतलब अलग अलग रीजन के लोग अलग रहते हैं अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं ठीक है अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं ठीक है सो दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज़ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इनकी जो आइडेंटिटी थी तो आइडेंटिटी आर डिफरेंट मतलब अगर आपकी आइडेंटिटी सेम है तो आप समझ में आता है लेकिन ये जो अपने आप को देखते हैं ना ये क्या करते हैं ये अपने आप को ऐसे डिफरेंट आइडेंटिटी देखते हैं ठीक है इनकी आइडेंटिटी सेम नहीं थी इनकी आइडेंटिटी क्या थी डिफरेंट थी ठीक है दे सी देमसेल्व्स एज़ डिफरेंट आइडेंटिटी पीपल मतलब कुछ लोग माग्यार बोलते हैं कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं किसी का कल्चर अलग है किसी का धर्म अलग है ठीक है मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स थे ठीक है रीजनल लैंग्वेजेस अलग हैं ठीक है और अलग अलग एरिया के लोग एक किंगडम के अंदर रह रहे हैं तो वो सिर्फ राजा के थ्रू कनेक्टेड है। कल मैंने आपको समझाया था देखो कल मतलब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको समझाया था सो दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज़ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर मतलब इनका ना तो कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी समझ में आ रही ना कोई कॉमन कल्चर। अब ये कैसे पता लगता है ये एक्चुअली या तो आपका कोई शेयर्ड पास्ट रहा हो ठीक है या फिर ये भी डिफरेंट है ठीक है या तो आपका कोई शेयर्ड पास्ट हो या कोई फ्रीडम स्ट्रगल रहा हो ठीक है या आपके कोई एंसेस्टर सेम हो रहे हों या आपका कोई कल्चर सेम है ठीक है या आपके कपड़े सेम हैं या आपकी लैंग्वेज सेम है ठीक है या आपका कस्टम सेम है तब तक तो समझ में आएगा लेकिन इनके जो यहाँ पर इसमें अलग अलग जो एरियाज में लोग रह रहे थे इनके बिल्कुल कल्चर अलग हैं ठीक है ट्रेडिशंस अलग हैं लैंग्वेजेस अलग हैं सो दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखा हुआ भी देखो यहाँ पर कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं और बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो एथनिक ग्रुप क्या होता है ये आपके किताब के अंदर जो है ना आई थिंक वो दे रखा है एक आपकी किताब में दिया होगा एथनिक कई बार हमने पढ़ा है एथनिक मतलब क्या होता है जैसे आप जिस एरिया से जिस एथनिसिटी से बिलोंग करते जैसे हम इंडियन हैं इंडियंस के पास जैसे आप देखो कुछ लोग अफ्रीकन हैं कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन हैं ठीक है कुछ लोग मे भी हो सकते हैं कि आर्यन रेस से आए हों ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे इंडियन ओरिजिन का लोग कहीं बाहर जाता है तो चार जनरेशन के बाद वो इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा तो उसकी एथनिसिटी डिफरेंट है मतलब वो अपना जो एंसेस्ट्री वो क्लेम कहीं और से कर रहा है ठीक है जैसे कमला हैरिस है कमला हैरिस कौन है यूएस की वाइस प्रेसिडेंट राइट तो वो जो है अपनी एंसेस्ट्री जो है इंडिया के अंदर ओरिजिन फाइंड करती है तो उसका इंडियन ओरिजिन के बोलेंगे हमेशा उसको क्या बोलेंगे इंडियन ओरिजिन हाँ वो अभी यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है तो उसका जो बिहेवियर है या जो उसका एटीट्यूड है या जो उसका मतलब डिवोशन है वो यूएसए की तरफ ही है ठीक है इसी तरह से आप ऋषि सुनक देखो देख सकते हैं ठीक है वो इंडियन ही है वो तो इंडिया में ही शायद हुए हैं और अभी वहाँ रहते हैं लेकिन उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो यूके के अकॉर्डिंग हो गया लेकिन फिर भी वो क्या कहलाते हैं इंडियन ओरिजिन पीपल कहलाते हैं ठीक है तो इस तरह की यहाँ पर बात हो रही है ठीक है। सो द हैब्सबर्ग एम्पायर अब एक यहाँ पर एक हैब्सबर्ग एम्पायर था जैसे हमारे यहाँ पर जोधपुर में जयपुर में
अलग अलग मराठा में अलग अलग तरह के जैसे एम्पायर होते थे, उस तरह से यहाँ पर एक हैब्सबर्ग एम्पायर था। तो ये जो रूल था, ये रूल कहाँ करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में। तो देखो सवाल बन गया ये अपना एक, कि ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया में या ऑस्ट्रिया एम्पायर में, ठीक है, कौन सा जो एम्पायर है वो रूल करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया में कौन सा एम्पायर रूल करता था? ठीक है, आपको ऑप्शन दे देंगे, बोर्बन डायनेस्टी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी, ठीक है, और एक आध कोई ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं, और चौथा डाल देंगे ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो आपको क्या कर याद करना है? हैब्सबर्ग एम्पायर। तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोर्बन डायनेस्टी कहाँ की थी? क्वेश्चन है कि बोर्बन डायनेस्टी कहाँ पर रूल करती थी, ये आपके लिए सवाल है। किस एरिया में रूल करती थी? सो एग्जाम्पल वॉज ए पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट। देखो ये हैब्सबर्ग एम्पायर था, ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ये क्या था? पैच वर्क था, मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, हमने इसको सिलाई करते ना उसमें अपन सुई धागे से सीते ना, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर शायद इस तरह से कुछ एरियाज को हैब्स सी रखा था, मतलब क्या बोलते, जोड़ रखा था, ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर द रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज ए पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स, ये अलग अलग रीजन का पैच वर्क था, एंड पीपल्स का पैच वर्क था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पीपल स्पोक मगर, आप देखो हंगरी के अंदर बात कर रहे हैं, हंगरी कहाँ, यूरोप के अंदर एक देश है, हंगरी के अंदर एक बात कर रहे हैं कि आधे लोग तो मगर बोलते हैं, मगर एक लैंग्वेज है, ठीक है, आधे लोग जो है अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, मतलब एक कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। जैसे भारत के अंदर आप देख लो, भारत के अंदर भी अभी ये सिचुएशन है। सो अदर स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब कहता है लैंग्वेजेस, ठीक है। अब गैलिशिया एक रीजन था, गैलिशिया के अंदर एरिस्टोक्रेसी पॉलिश बोलती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है ना, और भी एग्जाम्पल्स आपकी किताब में दिए हुए हैं कि कहीं पर जो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, जो हाई क्लास पीपल हो गए, रिच क्लास पीपल हो गए, या मतलब रिच या आप बोल सकते हो जो एक्चुअली डिप्लोमैट टाइप के व्यक्ति हो गए, जो सरकारी पद पर आसीन है, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, राइट। तो एरिस्टोक्रेसी पीपल दे ऑल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो हाई क्लास पीपल दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वो कॉमन पीपल वाली लैंग्वेज नहीं बोलते, ठीक है। वाई? बिकॉज दे हैव टू सेट द रूल्स डिफरेंट, राइट, दे हैव टू सेट देमसेल्फ अपार्ट, ठीक है। इसीलिए इंडिया में देख लो आप, इंडिया में ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स यूज टू स्पीक इन संस्कृत, राइट, दे डोंट टीच संस्कृत टू अदर्स बिकॉज दैट इज द थिंग दैट सेट देमसेल्फ अपार्ट। अब वो संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, किसी और को सिखाते नहीं है, संस्कृत में लिखते हैं, अभी बुक पढ़ना अलाउड नहीं है किसी को, ठीक है, कि दे से दैट दिस बुक्स आर मेंट टू बी रेड बाय ब्राह्मण्स, राइट, समवेयर लाइक क्षत्रियस ऑल्सो रीड दैट बुक बट नॉट अदर देन दैट। सो अगर आपके हाथ बुक लग भी जाए, ठीक है, कहीं से आप चोरी करके लेके आ जाओ, कुछ भी करके लेके जाओ, तभी भी आप पढ़ नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव द लैंग्वेज नॉलेज, राइट, तो यू कैन रीड, ये चीज़ें। तो इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी होगी ना, वो हमेशा अपनी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट रखेगी। इंडिया में के केस में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, गैलिशिया के अंदर एरिस्टोक्रेसी जो है पॉलिश बोलती है, सच डिफरेंटेड डिड नॉट इजिली। अच्छा, अब इतने सारे डिफरेंसेज हैं तो एक्चुअली एक यूनिटी बनाना काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है, ठीक है। सो द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डिफर ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। तो जो इनको बांध के रखी है वो क्या है, इनकी जो श्रद्धा थी या इनकी जो मेनली डिवोशन था वो किसके प्रति था, वहाँ के एम्परर के प्रति। तो मतलब एम्परर अगर बदल गया, एम्परर अगर चेंज हो जाता है या एम्परर मर जाता है, तो ये जो ग्रुप हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं आपस में लेने देने, ठीक है। जैसे ये फैमिली टाइप नहीं है, फैमिली में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है मेन जो इनको कनेक्ट रखता है, लेकिन इनका आपस में भी कनेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे आपस में भी कनेक्शन है। तो ये व्यक्ति हट भी जाएगा तो इनका आपस में कनेक्शन रहेगा, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एरियाज हैं ये सिर्फ राजा से कनेक्टेड है, ठीक है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर ये ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। तो इट इज़ लाइक, जैसे हम पीएम की बात करते हैं इंडिया के अंदर, पीएम है, पीएम से ही सारी सरकार चल रही है। अगर पीएम हट जाता है तो सारी जो सरकार है, जितने भी मंत्री हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में एक राइट साइड में एक बुक दिया हुआ है, तो एक टाइम लाइन दे रखी है एक्चुअली इसकी। जैसे देख लो, नेपोलियन ने इटली पे कब अटैक किया था, 1797 में, और यहाँ से नेपोलियन की वॉर शुरू होती है, और यहाँ पर ये नेपोलियन हार जाता है 1815 में वियना के अंदर, ठीक है, ये बैटल ऑफ वाटरलू में, बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर पीस ट्रीटी सेटलमेंट होता है, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना। तो नेपोलियन तो यहाँ पर हट जाएगा, फिर ये लोग ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ये एक्चुअली ऑर्थोडॉक्सी पे चले जाते हैं, ठीक है, री इस्टैब्लिश करते हैं किसको, ये किंगडम्स को या मोनार्कीज़ को, ठीक है। तो री इस्टैब्लिशमेंट ऑफ
मोनार्कीज, ठीक है। इसी के तहत इन्होंने क्या करा था, बोर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, बोर्बन डायनेस्टी रीस्टैब्लिश्ड। लेकिन ये एक्चुअली चलेगी नहीं ज़्यादा लंबी, ठीक है। यहाँ पर हुआ था बोर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस के अंदर राज करती थी, उसी के एक राजा को वापस लाकर राजा इसी की व्यक्ति को राजा बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर करते हैं। फिर 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगे। अब देखो क्या है कि जैसे ये भारत है मान लो, ठीक है, यहाँ पर एक देश था आज के देश में, आज के टाइम में टर्की, ठीक है। इस टर्की पे या इसके आसपास वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, इवन टर्की जो ओटोमन एम्पायर काफ़ी फैल गया था, ठीक है। तो ग्रीस जो कि यूरोप का देश है, ठीक है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लो आप ये मान लो टर्की है, ठीक है, आज का टर्की, ठीक है, और आज का जो ग्रीस है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। अभी क्या था कि ये जो पूरा एरिया ये वाला, ठीक है, और इसके बाद जो ये वाला एरिया है इधर अफ्रीका का एरिया रहता है, ठीक है, इस तरह का कुछ आप मान लो, थोड़ा सा अगर अफ्रीका बनाया मैंने मैप, और इधर अफ्रीका का मैप आ रहा था थोड़ा सा इस तरह से कुछ आ रहा था, ठीक है, इस तरह से, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है, ये आ रहा था इस तरह से, ठीक है। तो ये अफ्रीका हो गया, अब थोड़ा सा रफली बनाया मैंने, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अभी क्या है कि ये जो पूरा एरिया था ना, ठीक है, अभी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकना। देखो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया मेनली, तो ये जो था ना ये किसके अंडर में था, ये एक्चुअली इसके ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। ओटोमन एम्पायर बस मुस्लिम शासक, मुस्लिम रूल एम्पायर। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ग्रीस है, ग्रीस इज पार्ट ऑफ वॉज पार्ट ऑफ रोमन कल्चर एंशियंटली, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो थोड़ा सा जागरूकता पैदा हुई लोगों के अंदर कि यस हमारा ये ग्रीक कल्चर हुआ करता था, हमारा ये रोमन एम्पायर का क्रेडल था, तो अगर ये मुसलमानों के पास रहता है तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस हुई, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पर बातें करना शुरू हो गई। इंडिपेंडेंस किससे, ओटोमन एम्पायर से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर शुरू होती है 1821 में, ठीक है। अब ग्रीस के कुछ लोग यहाँ से बाहर भी रहते थे, ठीक है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर जो अंदर रहते थे यहाँ पर ग्रीस में, इन्होंने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ विरोध बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो बाहर रहते थे जो आ नहीं सकते थे वहाँ से, उन्होंने पैसा भी भेजा इस तरह से कि यहाँ पर चलो हम आपकी आ नहीं सकते तो हम अपना पैसा देके अपना युद्ध के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूरोप के कई सारे देशों से जो लोग देशों ने यहाँ पर हेल्प करी ग्रीस की, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हमारा जो रोमन कल्चर है वो फिर से रिवाइव हो जाए, ठीक है। और इसके लिए फिर ये हुआ, और फिर आगे चलकर सेटलमेंट हो जाता है इनका, तो इसको इंडिपेंडेंस दे देते हैं। सो रिवॉल्यूशन इन यूरोप 1848 में रिवॉल्यूशन शुरू होते हैं, आर्टिशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, पीजेंट्स, ये सारे रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं किसके खिलाफ। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो प्रॉब्लम ये, जनता का कोई मतलब नहीं है, अगर जनता को उसके जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहेगी तो जनता विद्रोह नहीं करेगी। जनता विद्रोह जब ही करती जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती या फिर अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही है, तो रीजंस लिखे हुए हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम सारी पैसे से लेकर, तो यहाँ पर जब पैसे को लेकर प्रॉब्लम आएगी तो सरकार पर सवाल उठेंगे और फिर यहाँ पर रिवोल्ट होगा। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन, मिडिल क्लास ने कहा भाई हम ढंग से देश चला नहीं रहे हो, फालतू के खर्चे ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बने, और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो क्या होगा, मतलब हमारे को उसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो कोई भी यहाँ पर पद का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं और हमारी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन भी यहीं से निकलेगा। तो इन्होंने मिडिल क्लास ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड शुरू कर दी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाएंगे, जो हेरिडिटरी वाला रूल है, ठीक है, राजा का बेटा राजा वाला रूल है वो यहाँ पर बंद कर देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे देश यहाँ पर शुरू हो गए, इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स एट्सेट्रा डिमांडेड नेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो है एक अलग से अपने देश की मांग शुरू हो गई, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन कल्चर एट्सेट्रा, तो नेशन स्टेट की डिमांड शुरू होती 1848 के अंदर, ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर देखो इटली का यूनिफिकेशन करता है 1870 तक, ठीक है, फिर 1871 से तक ये जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन आता है, और ये बाकी के थोड़ा बहुत यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, स्लैब नेशनलिज्म के अंदर फोर्स इन द हैब्सबर्ग ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, तो ये स्लैब नेशनलिज्म जो है यहाँ पर फोर्स आ जाता है, और ये इससे कुछ डेट्स दे रखी है तो मैंने आपको बता दी। अब अगला जो टॉपिक है वो है एरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। अब देखो सोशली इन पॉलिटिकली एलाइनड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अब देखो क्या हो रहा है कि सोशली या पॉलिटिकली तो डोमिनेंट कौन होगा, जिसके पास उस समय लैंड होता है ना, उस समय जब लैंड होगा, या आज भी आप मानो जिसके पास बहुत लैंड है तो वो क्या है, अमीर ही है, उसके पास इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक पावर है, और इफ़ यू हैव द इकोनॉमिक पावर देन यू ऑल्सो हैव द सोशल पावर। तो इकोनॉमिकली सोशली सबसे डोमिनेंट क्लास कॉन्टिनेंट पे कौन थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, मतलब एरिस्टोक्रेसी जिसके पास भूमि है,
क्योंकि मेन इकोनॉमी उस समय जो थी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी समझ आ गया, जो हाई क्लास लोग होते हैं, दैट इज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। सो मेंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड कॉमन वे। अब इनके जो मेंबर्स थे, ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर अगर आप घूम जाओगे, ये मान लीजिए पूरा यूरोप है, अब इस पूरे यूरोप के अंदर आप घूम जाओगे तो इनका जो एरिस्टोक्रेसी है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, इसका एक कॉमन कल्चर है। तो ये लोग बाइंड होते हैं उस कॉमन कल्चर से, ये लोग उस कॉमन कल्चर से बाइंड होते हैं, ठीक है। और उनका एक अलग तरीका है जीने का। जैसे आप देखो, इसको आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया से या आज की दुनिया से, आज का जो टाइम है उससे, कि यहाँ पर देखो आज के टाइम में जो लोग हैं वो जैसे रिच क्लास लोग हो, देखो आप, तो उनका अपना अलग कल्चर है। सो दे विल गो एंड बाय सम ब्रांडेड क्लोथ्स, दे विल गो एंड हैव लाइक फूड इन सम हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास लाइक दिस रेस्टोरेंट्स, राइट। तो उनका एक अलग कल्चर है, उनका अपना अपना प्रॉब्लम्स है। अब मिडिल क्लास की अपनी प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास का अपना कल्चर है, मिडिल क्लास के अपने टाइप के होटल्स है, अपने टाइप के यहाँ पर घर बने हुए हैं, अपने टाइप की गाड़ियाँ वो लेते हैं, ठीक है। रिच क्लास की सोसाइटी अलग जगह रहती है, वहाँ पर प्लॉट के रेट काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है वही चीज़, लेकिन वो चीज़ महंगी करके लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरे क्लास के लोग उनसे मिक्स हो। लो क्लास पीपल, उनका एक अपना अलग क्लास है, वो कहीं भी रहते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, कुछ नहीं उनको टेंशन, ठीक है। तो सभी लोग जो है नेचर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन दे विल पे डिफरेंटली, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लाइक अर्निंग्स। तो इनका क्या है, एक कॉमन कल्चर है। तो ये जो लोग हैं हाई क्लास, रिच क्लास, सॉरी मिडिल क्लास और लो क्लास, इनका जो वे है ना वो कॉमन कल्चर का वो अलग है। जैसे हाई क्लास वाले लोग क्या करेंगे, हाइजीन की बातें करेंगे, ठीक है। लो क्लास वाले हाइजीन वाइजीन कुछ नहीं, कि सब खाना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, क्या काम करोगे, बिल्कुल करेंगे सब, बस बात करता हूँ। वो फालतू की बातें नहीं करेंगे कि हमारे को बड़ा स्ट्रेस हो रहा है या हमारे को बड़ा मतलब वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, ये वाली बातें लो क्लास लोग नहीं करते, ठीक है। ये हाई क्लास लोग करेंगे कि यार मुझे टेम्परेचर सूट नहीं करा, सूट नहीं करा, सूट करने का ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। लो क्लास पीपल नो, पैसा मिलो ना, बस बात करता। तो इनका कॉमन कल्चर हो गया ना। वैसे ही यहाँ पर क्या था कि जो हाई क्लास पीपल है इनका कॉमन, राजा का बेटा राजा रानी से ही, रानी की बेटी से ही शादी करेगा, राजकुमारी से ही शादी करेगा, क्योंकि उनका जो वे ऑफ स्टैंडर्ड है वो सेम है, वो गरीब लोगों से शादी नहीं करेंगे। तो उसी तरह से ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, दे ओन एस्टेट्स। अब इनका एस्टेट्स मतलब जायदाद बहुत बड़ी बड़ी है, पूरे जमीन के जमीन इन्होंने खरीदी हुई है, इन्होंने इनके पास जागीरें पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनके पास ज़मीनें हैं, जायदाद है, दे ओन एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। मतलब एक तो ये मतलब कंट्री साइड क्या हो गया, जैसे जो एक तो शहर, एक तो गाँव, गाँव में इनके पास बीघा की बीघा ज़मीनें हैं, ठीक है। दूसरा इनके पास जो है ना टाउन में भी घर बना रखे हैं, मतलब शहर में भी इनके घर हैं, गांव में भी हैं, अमीर लोग हैं इस समय, ठीक है। तो टाउन में इन्होंने घर बना रखे हैं और कंट्री साइड में इनके पास काफ़ी ज़मीन है। और ये क्या करते हैं, डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ फ्रांस की बात हो रही है अभी फिलहाल, तो डिप्लोमेसी मतलब के लिए फ्रेंच। जैसे भारत के अंदर ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है, ताकि वो समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दे कीप देमसेल्फ सेपरेट। तो यहाँ पर फॉर डिप्लोमेसी दे स्पीक फ्रेंच, ठीक है। और एंड हाई सोसाइटी डिप्लोमेसी के लिए भी, और हाई सोसाइटी मतलब अब अमीर अमीर लोग मिल रहे हैं, गरीब लोग सर्व कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर वो लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करेंगे कि जो दूसरों को समझ में आए, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो उनकी बातें लीक हो जाएगी, और उनकी बातें लीक हुई तो गरीब लोग भी समझ में आ जाएगा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, उसके अलावा देखो द फैमिलीज वर ऑफन, अच्छा अब देखो अमीर लोगों के साथ रिश्ता अमीर से होता है, उनके पास धर्म जाति ये सब की बकवास नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट्स वीक किसके हैं, कॉन्सेप्ट वीक से मिडिल क्लास के, उनको इन्होंने उलझा रखा है कि अच्छा लोग क्या कहेंगे, लोग वो कुछ नहीं है साहब, पैसा है बोले हाँ साहब, पैसा आया तो शादी करेंगे वरना नहीं। रिलायंस के लड़का की शादी हुई पीरमल, अजय आनंद पीरमल की डॉटर के साथ में, ठीक है। अभी अगर उसके पास पैसा नहीं होता या आनंद पीरमल के पास, तो अंबानी वाला जो है उसको शादी करता नहीं करता, ठीक है। बहुत रिश्ते हैं दुनिया में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपनी क्लास की तरह के, अपनी तरह के लोग कि हाँ हमारे घर के कल्चर के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, ये एक डिमांड रहती है। दूसरा हमारे कल्चर से मैच करता हो ताकि उसकी फैमिली और हमारी फैमिली साथ में रह सके, ये चीज़ होती। अब एक क्रिमिनल की फैमिली, एक ब्राह्मण की फैमिली, बिल्कुल साधु शुद्ध, जिसने आज तक कुछ चिट्ठी भी नहीं मारी हो, ठीक है, उनका रिश्ता नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ पर, क्योंकि उनका कल्चर अलग है ना, इसी तरह से यहाँ पर कल्चर अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो इनका कल्चर है कॉमन हाई क्लास पीपल का अलग है। तो एक देश के लोग दूसरे देश के लोग
हाई क्लास जो लोग हैं इनके आपस में कनेक्शन रहते हैं, मैरिजेस होती है आपस में इनकी, ठीक है, तो फैमिली टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच बोलते हैं, और हाई सोसाइटी में आपस में जो बातें करते हैं वो फ्रेंच के अंदर करते हैं। इनके कपड़े अलग तरह के होते हैं, इनके कपड़े महंगे वाले होते हैं, ठीक है। भारत से मुस्लिम नाम का कपड़ा जाया करता था, वो ये हाई क्लास के लोग यहाँ पर पहना करते थे, ठीक है, तो महंगी चीज़ें पहनते हैं। सो दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। ऑब्वियसली इतने लोग अमीर होंगे नहीं, तो ये तो राज करने वाले लोग हैं, और राज करने वाले लोग हमेशा नंबर्स के अंदर कमी होंगे। तो 90% लोग जो फ्रांस के अंदर अपन पढ़ा था पीजेंट से, ठीक है, और द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर मेड अप ऑफ पीजेंट्री। अब ज़्यादातर लोग जो है पीजेंट थे, पीजेंट मतलब फार्मर्स थे, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब फार्मर्स में भी क्या था कि ज़मीनें बहुत कम थी लोगों के पास, ज़्यादातर लोग लैंडलेस थे, या जिनके पास ज़मीनें थी तो बहुत काफ़ी छोटी थी। तो ज़्यादातर ज़मीनें किसके पास थी, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के पास, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के पास। फर्स्ट एस्टेट में कौन आता है, क्लर्जी और नोबिलिटी। तो नोबिलिटी और क्लर्जी के पास जो थे ना वहाँ पर ज़्यादा ज़मीनें थी, ठीक है। अब ज़्यादा ज़मीनें उनके पास थी तो मतलब उनके पास बड़े बड़े लैंड्स होंगे, तो बड़ी बड़ी जागीरें, मैंने आपको बताया ना, बड़ी बड़ी जागीरें थी, घर भी थे, मैनर आपने पढ़ा पिछले साल, तो मैनर था, ठीक है। छोटे और किसानों के पास, 90% किसानों के पास काफ़ी कम ज़मीनें थी, कुछ लोग लैंडलेस लेबरर्स थे, कुछ लोग छोटे किसान थे, ठीक है, कुछ लोग बड़े भी थे, बट ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास ही रही। सो टू द वेस्ट, अब ये तो हो गई अपनी सोशल ये ईस्टर्न और सेंट्रल की बात। अभी वेस्ट में क्या हो रहा है, बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टर बाय वास्ट एस्टेट विच वर कल्टीवेटेड बाय सेल्फ। अब देखो दो सिस्टम चल रहे हैं यहाँ पर, वेस्ट में अलग चल रहा है और ईस्ट और सेंट्रल में अलग चल रहा है, ठीक है। वेस्ट में सिस्टम क्या चल रहा है कि यहाँ पर या तो स्मॉल ओनर्स हैं या टेनेंट्स हैं, टेनेंट्स मतलब जो आपके मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, और जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट है यूरोप का, वहाँ पर लैंड होल्डिंग जो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब सर्फ टाइप का सिस्टम है, वहाँ पे गुलामी टाइप का सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जागीरें हैं बहुत लोगों के पास, बहुत बड़ी बड़ी। अब देखो उस समय इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है, दो चार तरह के काम होते थे, जैसे मेन काम जो था ना उसमें, उस समय एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर जो था वो लैंड पर डिपेंड है, ठीक है, वो आपके टैलेंट पर तो है ही, टैलेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादातर उसमें क्या चाहिए, मेन चीज़ है वो लैंड चाहिए। लैंड नहीं होगा तो टैलेंट क्या कर लोगे, ठीक है। तो अब आपके पास लैंड ही नहीं है, लैंड यहाँ पर जो है लोगों ने ले रखा है, एक्चुअली जो लैंड है वो यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं उन्होंने ले रखा है, आपको लैंड दे नहीं रहे, ठीक है, या जो आपका था वो भी आपसे छीन लिया। अब आप मजबूर हो, क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं अवेलेबल है, तो आप मजबूर हो कि आप गुलामी करोगे, आप वहाँ पर खेती करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि सर्फ वाला सिस्टम, थोड़ा गुलाम टाइप का सिस्टम था, कि ज़िंदगी भर आप किस सेवा का उत्तर रहूँगा, मैं और मेरे खानदान में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे आपकी सेवा, हम आपके परिवार की सेवा करते रहेंगे, इस तरह की जो बातें थी वो लाइक सर्फ टाइप की चीज़ें होती है। और जिसको आप थोड़ा बहुत पैसा दे दो, ठीक है, टेनेंट्स यानी कि किराएदार हो गए या स्मॉल ओनर्स हो गए, ठीक है, इस तरह की जो यहाँ पर वेस्ट साइड में बात चल रही थी। तो दोनों तरफ की बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोप द ग्रोथ, अच्छा अब देखो यह होता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से अभी क्या हो रहा है कि लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिली, तुम लोग एक जॉब कर रहे थे, ठीक है, अब तुम्हें अचानक से पता लगता है कि अच्छा नई तरह की जॉब निकली है जहाँ पर पेमेंट अच्छी हो जाएगी थोड़ी, और इस तरह के सर्वडम से हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्विच कर लेंगे काम को, ठीक है। यही काम यहाँ पर कर रहे हैं लोग कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है और ट्रेड होता है शुरू। अब ट्रेड से लोगों ने खूब पैसा कमाया, ट्रेड से लोगों ने इतना पैसा कमाया और कमा कमा के जो है ना अपना इंडस्ट्री शुरू कर दी, ठीक है। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, अगर आप इतिहास ढंग से पढ़ते हैं तो आपको कई लोगों के बारे में पता लगेगा जिन्होंने ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाया, मतलब यहाँ का माल लेकर यहाँ बेचा। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने लग गई, ठीक है, मार्केट की जरूरत पड़ने लग गई, तो लोग क्या करने लगे, एक एरिया से दूसरे एरिया में आकर माल बेचने लगे। ट्रांसपोर्टेशन सुधर गया, ठीक है, जल्दी फास्ट एफिशिएंट हो गया और सेफ हो गया, तो ये सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो जब ये चीज़ें हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, और जैसे ही व्यापार बढ़ा एक नई मिडिल क्लास निकल के आएगी, ठीक है। देखो पहले दो क्लास थी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, अब नीचे वाली चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती, ऊपर वाले को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे जो चीज़ है वो इसके फेवर में आ रही है। अब नीचे वाले जो हैं ये बेचारे जानते हैं कि हमारे फेवर में नहीं है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, फिर भी ये विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास ना समय ना इतनी एनर्जी है कि ये जाकर विरोध करेंगे या लड़ाई लड़ेंगे। अब हमेशा जो चेंज होगा ना वो कौन लेके आएगी, मिडिल क्लास, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो नीचे से निकल के ऊपर आई है। अब जब ये यहाँ पहुँच गई तो इनके लेवल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये इसके ख्वाब इसके से हैं, ये यहाँ पहुँचना है, इनके से हमको रहना है, लेकिन ये यहाँ से निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखेगा यार सिस्टम ही गलत खराब हो रहा है,
अब सिस्टम खराब हो रहा है तो ठीक करने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब बदलाव करने हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है वो एरिस्टोक्रेटिक, ये मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत पढ़ लिख लेंगे, थोड़ा दिमाग आ जाएगा उनके पास। दिमाग जब आ गया, एक बार पढ़ लिख लिया, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात सीख ली, अब यहाँ पर ये सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे कि बताओ ऐसा आपने क्यों किया, ठीक है। तो अब सवाल जब उठेंगे, रैशनल माइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इन्वेंशंस भी होंगे, और जैसे कुछ इन्वेंशंस होंगे तो इसको हम अप्लाई करेंगे अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्टेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, तो कमर्शियल क्लास का इमर्जेंस होता है जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कितना प्रोडक्शन होगा मार्केट के लिए। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ, सबसे पहले सवाल ये बनता है इंग्लैंड से शुरू हुआ, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो यूरोप के अंदर फैलता गया। तो लगभग 500 साल जो था सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अपने पैर बसाए, और सबसे इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनकर निकला क्योंकि उसने लीड ले रखी थी 500 साल की, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंग्लैंड में शुरू होता है, कब होता है, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब क्या है इसका, 1750s के बाद में ये चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है, ये हो रही है। बट लेकिन फ्रांस के और जर्मनी के ऊपर, ये तो गया अपना इंग्लैंड के इधर, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के अंदर ये एक्चुअली 19th सेंचुरी पहुंच गई, मतलब 1801 के बाद, ठीक है। तो ये लगभग 500 साल के बाद शुरू होता है। सो इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक। अब ये यहाँ पर पढ़ लिख लेते ना तो लोगों में दिमाग आ गया, लोगों ने कहा यार आपने खाली जन्म लिया है, आपने खुद अचीवमेंट में कुछ करा रही है, तो जन्म के आधार पर हम आपको ना स्पेशल प्रिविलेज को दें, जबकि आपसे 100 गुना बेटर काम हम कर सकते हैं, ठीक है, और कर भी रहे हैं, तो आप सिर्फ जन्म के आधार पर ये चीज़ें मांग रहे हो, तो ये हम नहीं देने चाहते। तो यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज थे, इसको हमने यहाँ पर अबॉलिश करने की बात करी। और दूसरा क्या था कि यहाँ पर नेशनल यूनिटी, नेशनलिज्म वाली जो भावना है उसका जो आइडिया है एक्चुअली ये मिडिल क्लास ही लेके आएगी।